मिठाइयाँ तो आपने बहुत बनाए खाई होंगी। इस रेसिपी को आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो उंगलियाँ चाटते ही रह जाएंगे। एक छोटी लौकी लिया है, लौकी को धुल लिया है, इसको छील लेते हैं। लौकी के छिलके को इसी तरह से उतार लेते हैं। लौकी को छील लिया है, आगे पीछे कट कर लेते हैं इस तरह से। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं। लौकी को कद्दूकस कर लिया है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई गर्म हो गई है, 2 चम्मच घी ऐड करते हैं। घी गर्म हो गई, आंच को मीडियम रखा, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं। कद्दूकस की हुई लौकी ऐड करते हैं। मीडियम आंच पर लौकी को बराबर चलाते हुए घी में भून लेते हैं। मिठाइयाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, एक बार इस तरीके से बनाकर खा लेंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बराबर चलाते हुए मीडियम आंच पर लौकी के पानी को सुखा लिया है। 1 कप दूध ऐड करते हैं। बराबर चलाते हुए मीडियम आंच पर लौकी को दूध के साथ पका लेते हैं। दूध के साथ गलाकर भून लिया है। 1 बाउल खोया ऐड करते हैं। एक चम्मच केवड़ा वाटर ऐड करते हैं। 1 पिंच ग्रीन फूड कलर ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमने बराबर चलाते हुए सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तेज आंच पर घी छोड़ने पर बराबर भून लेते हैं। बराबर चलाते हुए घी छोड़ने तक भून लिया है। घी छोड़ने लगा, हलवा बनकर तैयार हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं। चीनी की जगह पे हमने जिंदगी स्टीविया का लिक्विड स्वीटनर यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर लिया है, बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप शुगर फ्री की जगह पे आप चीनी यूज़ कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। मिक्स ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। हमने ट्रे में घी लगा के तैयार कर लिया है। हलवा बनकर तैयार है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बर्फी को चम्मच के साथ सेसर कर लेते हैं। बर्फी को ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लेते हैं। फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। लौकी की बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है, इसे पीस में कट कर लेते हैं। लौकी की स्वादिष्ट बर्फी सर्व करने के लिए तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।